अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ सुपर क्रिस्पी फ़िश फ्राई रेसिपी। जब आप इस मेथड से फ़िश फ्राई बनाओगी तब आप देखेंगी आपकी फ़िश बहुत क्रिस्पी बनेगी। इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होगी और इसको बनाना आसान भी बहुत होता है। जब भी आपका फ़िश फ्राई खाने का मन करे इस तरह से आप बनाएं, एकदम इंस्टेंटली शानदार फ़िश फ्राई बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए सुपर क्रिस्पी फ़िश फ्राई बनाना शुरू करते हैं। 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम मछली ले लेंगे, इस मसाले को हमें कोट कर देना है मछली के ऊपर। फ़िश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है 500 ग्राम मछली। जो मसाला पाउडर हमने बनाकर रखा था वो पाउडर हम यहाँ मछली पर कोट कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून सिरका। जब आप सोया सॉस और सिरका डालकर मछली बनाएंगे तो मछली जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी, खटी खटी सी ज़बरदस्त बनेगी। आप लोग भी घर में ऐसे ही मसाले ऐड करके ट्राई कर देखें। बाज़ार की जो मछली होती है, रेस्टोरेंट की जो मछली होती है, आप वो बिल्कुल भूल जाएंगे। घर पर ही आप स्पेशल मछली बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको हमें मैरिनेट करना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है बेसन 1/2 कप और हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। इसका हमें बैटर बनाना है, यानी पेस्ट बनाना है, जो ज़्यादा पतला ना हो और ना ही गाढ़ा, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। अब मैं डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर 2-3 ड्रॉप्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं, इससे फ़िश में बहुत अच्छा कलर आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट फ़िश बनकर तैयार होगी। तो हम अपनी मैरिनेट की हुई मछली में ये जो बेसन का बैटर बनाया है हमने, ये डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारी जो मछली है फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसी तरह से मछली को मसाला लगाकर फ्रीज भी कर रख सकती है ताकि जब चाहे निकालें और फ्राई करें। पहले से ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, लो फ्लेम पर ही मछली फ्राई करें। हाई फ्लेम पर मछली बहुत डार्क कलर हो जाती है ऊपर से और अंदर से कच्ची कच्ची रह जाती है, इसीलिए लो फ्लेम पर मछली को अच्छे से फ्राई कर लें। तीन मिनट एक ही साइड रखने के बाद नेक्स्ट 3 मिनट पलटा कर रखें ताकि फ़िश अच्छे से पक जाए। ऐसे ही करके हमें सारे पीसेस फ्राई कर लेनी है और एक बर्तन या प्लेट में निकालनी है।
बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ खुशबूदार मछली तैयार हो चुकी है। तो आप रोटी चावल के साथ सर्व करें, जैसे भी आप सर्व करना चाहती हैं। अगर मेरी सुपर क्रिस्पी फ़िश फ्राई रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रेसिपी पर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।